मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह को अदालत से रिलीफ मिल गया है। कैसे तो आपको बताते हैं, सिंध हाई कोर्ट ने एफआईए को मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने एफआईए की कार्रवाई के खिलाफ वकील के जरिए सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था। हरीम शाह ने दरख्वास्त में मौकफ अख्तियार किया था कि गैर मुल्की करेंसी के खिलाफ मेरी वीडियो वायरल हुई थी, करेंसी के हवाले से वजाहती वीडियो जारी कर चुकी हूँ। वकील ने मौकफ अख्तियार किया कि अतलात के मुताबिक एफआईए ने हरीम शाह के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए बैंक से रजू किया है और वो एफआईए की इंक्वायरी से तावुन करना चाहती हैं और बरतानिया से वापसी पर गिरफ्तारी का खदशा है, लिहाजा एफआईए को कार्रवाई से रोका जाए। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में एफआईए को हरीम शाह के खिलाफ कार्रवाई से रोकते हुए डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एफआईए को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर एफआईए के तफ्तीशी अफसरान को पेश होने का हुक्म दिया है। नासिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज आपको मौसूल हो सके।